बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद शहज़ाद एक पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का ये पैगाम दर हकीकत एक सोच और फिक्र है। और ये सोच और फिक्र क्या है कि हमें एक नारे जो कि नो करप्शन इन पाकिस्तान है, इसके साथ साथ यानी पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के साथ साथ हमें कुछ लोगों के बारे में हमें फिक्र करना है और हमें उन लोगों के बारे में कोई अमली इकदाम करने हैं। और वो लोग गुराबा हैं और वो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं और वो लोग मोहताज, मसाकीन, फुकरा, बेवाएं, यतीम, ज़रूरतमंद तलाक याफ्ता औरतें हैं, माजूर अफराद हैं, बेरोजगार अफराद हैं, बेघर अफराद हैं और वो लोग हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते या दवाइयां नहीं खरीद सकते, या ये वो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन के जो फीसें हैं वो नहीं दे सकते। तो हमें इन लोगों के बारे में फिक्र करना है और इनके लिए कोई अमली इकदाम करने हैं। नाजरीन, मैं इस सोच और फिक्र के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और मैं यहां पर एक सवाल कर रहा हूं कि हमें ये सोच और फिक्र क्यों रखनी है, हमें इन लोगों के बारे में सोचना क्यों है और इनके बारे में फिक्र क्यों करना है और इनके इन लोगों के बारे में अमली इकदाम क्यों करने हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमें मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है कि जहां पर कोई भी शख्स खुदकुशी के बारे में ना सोचे कि वो बेरोजगार हो गया है तो वो खुदकुशी कर ले, कि एक शख्स है उसके कारोबार में नुकसान हो गया है कि वो खुदकुशी कर ले, कोई बेवा हो जाए या यतीम हो जाए या तलाक होने पर वो खुदकुशी ना कर ले, या कोई शख्स इस बात पर खुदकुशी ना कर ले कि वो अपने खानदान के लिए बुनियादी जरूरतों की फराहमी नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपने फैमिली की मेडिकल सहूलतें नहीं फराहम कर सकता, उसके पास अखराजात नहीं है, वो इस वजह से खुदकुशी ना कर ले। हमें मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करने हैं कि कोई शख्स बेरोजगार होने पर या यतीम होने पर या बेवा होने पर या वो अपने फैमिली के लिए सहूलतों की फराहमी नहीं कर पाता, ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम नहीं कर पाता तो वो खुदकुशी ना करे, बल्कि हम ऐसा माहौल फराहम करें जिसके अंदर उसकी इज्जत और तौकीर के साथ उसको इन चीज़ों को फराहम किया जाए जो उसको ज़रूरत है। नाज़रीन,
ان لوگوں کے بارے میں یہ فکر کرنا اور سوچ رکھنا اور عملی اقدامات کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ملک کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ کوئی ایک بیوہ عورت یا ایک طلاق یافتہ عورت یا ایک یتیم لڑکی یا کوئی بھی عورت اپنی عزت بیچنے پر مجبور نہ ہو جائے اور نہ وہ اپنی عزت بیچنے کے لیے زبردستی اسے عزت بیچنے پہ مجبور نہ کر دیا جائے۔ ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے، ہمیں اپنے ملک کی عورتوں کی عزت کا رکھوالا بننا ہے، ہمیں اپنے ملک کی عورتوں کی عزت کو بیچنے والا نہیں بنانا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ پیغام آپ کو دینا بہت ضروری ہے، اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، اگر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مجبور کر دی جاتی ہیں اپنی عزت بیچنے پر یا زبردستی یا کوئی ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کمپرومائز ہو جاتی ہیں عزت بیچنے پر، تو میں یہاں پر آپ سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب اور میں بھی قصوروار ہیں اس گناہ کا، خواہ آپ نے یا میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی عورتوں کی عزتوں کی رکھوالی کرنا ہے، نہ کہ ان کی عزتوں کو بیچنے پر مجبور ہونے کے لیے ان کو چھوڑ دینا ہے، اور ہمیں یہاں پر فکر کرنی ہے کہ عورت جو ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ اپنے بچوں کو کھانے کی فراہمی کے لیے وہ در بدر پھیر رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں فراہم کر پاتی، اور وہ عورت اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے، دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے، جیسا کہ سیالکوٹ میں بھی وہ ٹرین کی پٹری کے آگے عورت نے اپنے بچوں کو بٹھایا، ٹرین کی پٹری کے اوپر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی اور ٹرین کے نیچے آ گئی اور خودکشی کر لی۔ اور آپ نے یہ واقعات بارہا پڑھے ہوں گے، ٹی وی پر دیکھے ہوں گے کہ عورت نے زہر جو ہے اپنے بچوں کو بھی دے دیا، خود بھی کھا لیا، عورت نے اپنے بچوں سمیت دو بچوں سمیت نہر میں دریا میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی، ایک عورت نے بچوں سمیت چھت سے چھلانگ لگا دی تیسری منزل سے چوتھی منزل سے، ایک آدمی نے کاروبار میں نقصان ہونے پر اس وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ضروریات زندگی میسر نہیں کر پاتا یا اپنے بچوں کو سردیوں کے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو اس کے قصوروار آپ اور میں، ہم سارے پاکستانی ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ماحول ایسا بنانا ہے، ایسا ایک پاکستان کے اندر ماحول بنانا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، ان لوگوں کی ہیلپ ہو، ان کی عزت بھی ہو، ان کی توقیر بھی ہو۔ تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد شہزاد، میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے۔ میں نے یہ جو سسٹم بنایا ہے اس کے ذریعے سے
हम सब मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अवाम मिलकर पाकिस्तान से गुर्बत व अफलास का खात्मा कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान से ज़रूरतमंद अफराद के बारे में मालूमात फौरी तौर पर मयसर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स है, कोई खा औरत है, कोई बेवा औरत है जिसका खावन जो है वो फोत हो गया और बीवी बच्चे उसके घर में खाने को तरस रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में फौरन पता चल जाएगा। कोई भी ज़रूरतमंद शख्स है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चल जाएगा। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चल जाएगा। ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चल जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी मदद करेगी ज़रूरतमंद अफराद की इस तरीके से मदद करेगी कि ज़रूरतमंद अफराद के दरवाजे पर उसको मदद मिलेगी और ज़रूरतमंद अफराद को लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़रूरतमंद अफराद जो हैं वो तस्वीरें खिंचवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरतमंद अफराद की मदद उनके दस्तक पर होगी और इस तरीके से होगी कि उनकी इज्जत को मलहूज़े खातर रखा जाएगा और इस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी कि इन ज़रूरतमंद अफराद के हमसायों को पता नहीं चलेगा कि इनकी मदद हो रही है। और ज़रूरतमंद अफराद की इंफॉर्मेशन को ना तो प्रिंट मीडिया को दिया जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन अमानत होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे अदारे जिसको हम सेमी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। नाजरीन, ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक डेटाबेस को मेंटेन करता है जिसके ज़रिए से ज़रूरतमंद अफराद के डेटाबेस को मेंटेन किया जाएगा और ये ज़रूरतमंद अफराद जो हैं ये ज़रूरतमंद यतीम बच्चे बच्चियां हैं, बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता औरतें हैं, बेघर अफराद हैं, बेरोज़गार लोग हैं, माजूर अफराद हैं, मकरूज लोग हैं और वो लोग हैं जो कि कारोबार में नुकसान से गुजर रहे हैं या वो लोग हैं जिनको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा है ये और मोहताज लोग हैं, मसाकीन लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं, कैदी हजरात हैं, रेफ्यूजीज हैं, पनाहगज़ीन हैं और वो लोग हैं जो कि अपनी फैमिली की बुनियादी ज़रूरतों को मयसर नहीं कर पाते अपनी फैमिली के लिए और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका यहाँ पर मैं ज़िक्र नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये मेंटेन करता है डेटाबेस के अंदर उन लोगों की इंफॉर्मेशन को जो कि लिविंग ऑन द एज हैं। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि लिविंग ऑन द एज पीपल कौन है, यानी कि किनारे पर जिंदगी गुजारने वाले लोग, यानी किनारे पे जिंदगी बसर करने वाले कौन से लोग हैं। किनारे पर
बसर करने जिंदगी बसर करने वाले लोग वो हैं जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर या उसके नीचे गिरने वाले हैं। ये वो लोग हैं, अगर आप इनके बारे में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक शख्स है जो कि बेरोजगार हो गया है और किसी भी तरह से वो बेरोजगार हो जाता है और वो अपनी फैमिली के लिए ज़रूरियातें ज़िंदगी को मयसर करने में नाकाम रहता है। जैसा कि ये शख्स जो है जो कि बेरोज़गार हो गया है, इसके पास और कोई ज़रिए आमदन नहीं है और ये अपने घर का किराया नहीं दे पाता है। जिस घर में ये वो रहता है वो किराए का मकान है और वो ये किराया इस मकान का जो किराया है वो नहीं दे पाता है क्योंकि वो बेरोजगार हो गया है और वो अपने बच्चों के लिए अपने खानदान के लिए राशन की फराहमी नहीं कर पाता है क्योंकि वो बेरोजगार हो गया है और अपने बच्चों के लिए घर वालों के लिए कपड़े और जूतों की को मयसर नहीं कर पाता है। जरूरियात के जो अशिया हैं वो नहीं अपने फैमिली को दे पाता है, जैसे कि दूध है, खाना है और चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता अगर उसके घर में कोई बीमार है, अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग लिविंग ऑन द एज हैं, ये किनारे पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर ये शख्स जो है बेरोज़गार हो जाता है तो ये गुर्बत की लकीर के ऊपर आ जाता है फौरन, और अगर ये बरसरे रोज़गार है तो ये गुर्बत की लकीर के ऊपर है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो कि एक लिविंग ऑन द एज यानी किनारे पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि वो बस अगर एक झटके से यानी वो अगर मर जाता है या वो बेरोजगार हो जाता है तो वो गुर्बत की लकीर के ऊपर आ जाता है और गुर्बत की लकीर के नीचे वो चला जाता है, ना उसके पास घर रहता है, ना वो किराया दे पाता है। आप ये सोचें कोई शख्स जो कि लिविंग ऑन द एज है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक किनारे पे ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो मर जाता है और उसके ख़ानदान के लिए कोई ज़रिया आमदन नहीं है तो कैसे जो मुतासरीन हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं वो कैसे घर का किराया देंगे, कैसे वो राशन की को खरीदेंगे, कैसे वो यूटिलिटी बिल्स अदा करेंगे, कैसे वो अपने लिए ज़रूरियातें ज़िंदगी की जो अशिया का है वो बंदोबस्त कर सकेंगे। तो मेरा ये सवाल आपसे है, तो मैं आज ये सोच और फिक्र के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, ये जो सिस्टम है ये इन तमाम लोगों की के बारे में डाटाबेस को मेंटेन करता है। नाजरीन, ये तमाम उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को, उनकी डाटाबेस को मेंटेन करता है जो कि बीमार हैं और अपनी बीमारी का के इलाज के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है
और वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई इसकी मदद करे, इनकी मदद करे, ताकि वो अपनी बीमारियों का इलाज करा सकें। इसी तरह इस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से उन लोगों की डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है जो कि तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं अपने माली अखराजात की वजह से, और इस सिस्टम की मदद से उन लोगों का डेटाबेस मेंटेन किया जाता है जो कि बेरोज़गार अफराद हैं, और उन लोगों का डेटाबेस भी मेंटेन किया जा रहा है जो कि हुनरमंद नहीं हैं, और बहुत सारी इसके अलावा चीज़ें हैं जैसे कि बेरोज़गार अफराद के साथ साथ डिसेबल्ड लोग जो कि माजूर अफराद हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको अपने ये जो मैंने सिस्टम बनाया है इसके मॉडल की कुछ खसूसियात के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। इस मॉडल में तमाम लोगों के सामने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ट्रांसपेरेंट शफाफियत के साथ रखा जाता है, मां सवाए उन मालूमात के जो कि ज़रूरतमंद लोगों से ताल्लक रखती है, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की मालूमात को सीगाए राज में रखा जाता है, और ज़रूरतमंद लोगों की इस तरीके से मदद की जाती है कि उनके हमसायों को भी पता ना चले, और ज़रूरतमंद लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। और हमने इस मॉडल के ज़रिए से, इस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से एक मैकेनिज्म, एक तरीक़ाकार वज़ा किया है जिसके ज़रिए से तमाम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली मदद कर सकते हैं। मैंने ये जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इसके ज़रिए से एक मैं वेबसाइट, गवर्नमेंट की मदद से मैं ये वेबसाइट जो है ये लॉन्च करने वाला हूँ, और इस वेबसाइट की मदद से तमाम लोग जो हैं इसके ऊपर रजिस्टर होंगे। से यहाँ पर कराची में कोई एक शख्स है जो कि कहता है कि जी मैंने किसी ज़रूरतमंद शख्स की मदद करनी है, यानी कोई एक डोनर है, और डोनर कहता है जी मेरे पास 500 रुपया है या मेरे पास 1,000 रुपया है, वो एक ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेगा और एक रिक्वेस्ट करेगा कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारा इदारा उस शख्स को जिसने कराची से एक रिक्वेस्ट की है कि वो किसी की ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस शख्स को इसके मोहल्ले में, कराची में ही, इसके शहर में, इसके मोहल्ले में इसको एक ज़रूरतमंद फैमिली देते हैं, और हम इससे एक अहद लेते हैं कि भाई इस ज़रूरतमंद फैमिली के बारे में इसने किसी शख्स को नहीं बताना, और इस ज़रूरतमंद फर्द की, ज़रूरतमंद खानदान की मालूमात को सीगा राज में रखना है। अगर वो शख्स इस अहद की पासदारी के लिए कसम खाता है और ये कहता है कि वो ज़रूरतमंद शख्स की या ज़रूरतमंद अफराद की, खानदान की बारे में किसी को नहीं बताता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारा अदारा उस शख्स को कराची में ही एक फैमिली उसको अलोकेट कर देता है, और वो शख्स जो है
इस फैमिली को वो डोनेशन देता है। हमने एक तरीक़ेकार वजह किया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हम मिलकर हम ये देखते हैं कि एक फैमिली को कितनी ज़रूरत है, उसके कितने डोनर्स की ज़रूरत है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इसको कितने डोनर्स की ज़रूरत है, इसको कितनी ज़रूरत है, और इसको इसको मैनेज करता है ऑटोमेटिकली। और ये एक ऐसा सिस्टम है, से यहाँ मुल्तान शहर से 10 लोगों ने कहा है कि जी इनको ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद लोग हैं, ये दिहाड़ीदार लोग हैं। 10 लोगों ने कहा कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम्स जनरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली टीम्स जनरेट होती हैं। और यहाँ पर 10 लोगों ने कहा है तो 10 टीमें ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी और वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, इनकी इन्फॉर्मेशन लेंगी, इनसे इनसे इन्फॉर्मेशन गेट करेंगी कि क्या ये वाकई मजदूर लोग हैं, और गवर्नमेंट जो है फिर इनकी हेल्प करेगी। इसी तरीके से कोई भी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई औरत है वो कहती है जी वो बेवा है और उसका कोई ज़रूरत, कोई भी उसको बच्चों को ज़रूरत है, उसको राशन की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको राशन की फराहमी करेगी। नाज़रीन, मैं इस प्लेटफॉर्म को सेमी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट, ये मैंने एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैंने ये रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि मैं एक ये अदारा बनाना चाहता हूँ और मैं ये सेमी गवर्नमेंट अदारा बनाना चाहता हूँ। मैं ये पैसे जमा करने के लिए नहीं ये अदारा बनाना चाहता हूँ, लोगों को धोखा देने के लिए नहीं कि 1 करोड़ जमा कर, 1 करोड़ इकट्ठा कर लो, उसमें से 50 लाख दे दो, 50 लाख खुद रख लो, नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, और ये मैं ये एक सेमी गवर्नमेंट अदारा बनाना चाहता हूँ। और इस अदारे की मदद से यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को पाकिस्तान में मैं आम करना चाहता हूँ। हमारे कायद के का ये जो कॉल है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसको मैं आम करना चाहता हूँ। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी मेरा पैगाम पहुंच जाए कि मैं ये एक काम करना चाहता हूँ। मैंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ है लोगों की मदद के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरतमंद लोगों के बारे में फौरन पता चल जाएगा और इसके अंदर एक मैकेनिज़्म है कि ज़रूरतमंद लोगों को उसके शहर में उसकी हेल्प होगी और एक मनज़म एक तरीक़ाकार इसके अंदर वज़ा किया गया है। और मैंने एक वेबसाइट भी डेवलप की है, सिस्टम डेवलप किया है और मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो आप सब पाकिस्तानी मेरी आवाज़ बने और आप सब पाकिस्तानी मेरे कदम के साथ कदम मिलाएं और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दावत देता हूँ कि वो मेरे कदम के साथ कदम मिलाए और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए मेरे साथ चले। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।